मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा है, प्रभु है महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। जवाब में सिंधिया ने इसी अंदाज में दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जी जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। शुक्रवार को उज्जैन पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 15 महीने में हमारे धनाढ्य विधायक कमाई में लग गए और बिक गए। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के विधायकों को भी ऑफर आए थे, उन्होंने 25-25, 50-50 करोड़ के ऑफर टुकरा दिए, लेकिन बड़े बड़े महाराज बिक गए। आगामी चुनाव में विशेष ख्याल रखेंगे कि इस बार हमारा प्रत्याशी टिकाऊ हो, ना कि बिकाऊ। दिग्विजय ने जम्मू कश्मीर में गुरुवार को हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद कहा था कि इससे आतंकी घटनाएं रुक जाएंगी। आतंकी हमले पहले घाटी में होते थे, अब जम्मू तक पहुंच गए हैं। 370 हटाने के बाद रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएँ बढ़ी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, जम्मू में हुई आतंकवादी घटनाओं में चाइनीज कारतूस भी मिले हैं। ये नई बात सामने आई है कि चीन की ओर से भी आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जा रहा है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।